नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आयो बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी आई हूँ टेरेस गार्डन में और शाम के बजे हैं 4:30। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ मनी प्लांट पर। मनी प्लांट पर मैं बात इसलिए करूँगी कि मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है, ये एक लक्ष्मी का प्रतीक होता है और इसको सही दिशा में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सही दिशा में नहीं लगाएंगे और सही से मनी प्लांट को नहीं रखेंगे तो घर में पैसों की बरकत नहीं होती है। ये धन से जुड़ा हुआ पौधा होता है, इसलिए आपको कहाँ रखना है और कैसे इसकी देखभाल करनी है और क्या क्या इस पौधे में डालना है, पानी कैसे देना है, कौन सा पानी देना है, ये सब बात करूँगी मैं। और फ्रेंड्स, आपको मनी प्लांट कैसे रखना है ये भी बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मनी प्लांट जब भी लगाना है तो आप इसको सबसे पहले रखना कहाँ है, कौन सी जगह रखना है? स्वच्छ जगह पर रखना है और इसको रखना है आपको दक्षिण पूर्वी दिशा में। दक्षिण पूर्वी दिशा में रखेंगे तभी आपको इस प्लांट का लाभ मिल सकता है। ये एक धन का प्रतीक माना जाता है, ये धन से जुड़ा हुआ पौधा होता है और इसको लगाने से हमारे घरों में बहुत ज़्यादा धन की उन्नति होती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपको दक्षिण पूर्वी दिशा में ही लगाना है इस प्लांट को, तभी आपको लाभ मिल सकता है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपकी जो प्लांट की पत्तियां पीली हो जाती हैं तो उनको तुरंत हटा दीजिए। अगर पत्तियां पीली रहेंगी तो उससे भी निगेटिविटी होती है घर में, इस वजह से फ्रेंड्स पीली पत्तियां बिल्कुल भी ना हो। चमकदार पत्तियां बनाने के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल स्वच्छ पानी देना है और पानी जब आपने प्लांट में देते हो तभी पत्तियों का छिड़काव कर देना है, जिससे आपकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों का साइज भी बड़ा हो जाता है और इनका साइज बड़ा होने के बाद ये चमकदार पत्तियां बन जाती हैं। तो इसलिए पानी से स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। स्प्रे जैसे स्प्रे बॉटल नहीं है तो एक पाइप होता है, पाइप से हम पानी डालते हैं प्लांट में, तो बहुत ही आसानी से आप पाइप के द्वारा इस पर छिड़काव कर सकते हैं। तो छिड़काव करना ज़रूरी है जिससे पत्तियाँ बड़ी होती हैं, चमकदार होती हैं। तो पौधे को, जो मनी प्लांट का पौधा होता है, अगर आपका पौधा ख़राब होने लगा है तो आप तुरंत उसको जगह चेंज कर दीजिए और ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ इसको थोड़ी थोड़ी धूप भी मिले और छाया भी मिले और अच्छे से इसको पानी का भी ध्यान रखना है। पानी का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्या करना है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारे प्लांट की पत्तियां पीली हो गई, अभी आप देख सकते हैं हमारे एक भी प्लांट की पत्ती पीली आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि मैं जब पानी तब देती हूँ जब ऊपर की परत हल्की हल्की सी सूखी होती है। वैसे इस प्लांट को फ्रेंड्स मॉइस्चर बहुत ही पसंद है, इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहेगा तो आपका प्लांट ना पीला पड़ेगा ना नीला पड़ेगा और पत्तियां बहुत सुंदर से चमकदार भी दिखती रहेंगी। तो इसलिए आपको पानी अच्छे से देना है और पानी के अंदर आपको मॉइस्चर ज़रूर बना के रखना है। अगर आप मॉइस्चर बना के नहीं रखेंगे तो आपका प्लांट ये पीली पीली पत्तियां निकालेगा और प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी नहीं करेगा। तो इसलिए जो इसको पसंद है वो ज़रूर करना चाहिए। तो मॉइस्चर बना के आप मिट्टी में रखें, ये नहीं है कि हमने एक दिन पानी दे दिया है उसके बाद हम 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद हम पानी दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। आपको मिट्टी चेक कर लेनी है और ऊपर की परत हल्की हल्की सूखी हो तभी आपको पानी दे देना है और पत्तियों पर छिड़काव भी कर देना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं पानी देती हूँ और मिट्टी कैसी होती है तभी मैं अपने प्लांट को पानी देती हूँ। इसको जो मनी प्लांट है आप देखिए, इस तरह से आप देख रहे होंगे अंदर इसके मॉइस्चर है और ऊपर की जो मिट्टी है हल्की हल्की सी सूखी है। अभी मैं आपको मिट्टी भी निकाल के दिखाऊंगी, इसका भी मैं देख सकती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, इसकी मैं मिट्टी आपको निकाल के दिखाती हूँ।
कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे मिट्टी हो जाती है। बहुत ज़्यादा सूखी नहीं है, हल्की हल्की सी नमी है इस मिट्टी के अंदर, तो तभी आप पानी दें। दूसरा भी प्लांट मैं देखती हूँ फ्रेंड्स, इसके अंदर भी आपको मैं दिखाऊंगी इसी तरह से, इसके अंदर भी मिट्टी में नमी है हल्की हल्की। अब मैं अपने प्लांट में पानी दे दूंगी। बहुत ज़्यादा मिट्टी सूखने के कारण भी मनी प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो सूखी सूखी हो जाती हैं और पीली हो जाती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से ये पाइप लिया हुआ है और इस पाइप से मैं अपने प्लांट में पानी दे दूंगी। तो इस तरह से आपको पानी दे देना है। और ये जो मैंने इसकी ये मॉस स्टिक फ्रेंड्स लगाई है, इसको आपको ज़रूर गीला करना है। इसी से आपके जो पत्तों की जो जड़ें हैं, स्टेम होती है, वो अच्छी ग्रोथ करती है और इससे लिपटी रहती है और ये प्लांट बहुत ज़्यादा खुश रहता है। जब प्लांट की जो स्टेम होती है मॉस स्टिक से चपटने लगती है तो इसमें बहुत सारी जड़ें हो जाती हैं और हमारे पत्ते जो होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक भी पत्ता पीला नहीं होगा और इसी तरह से आपको पानी दे देना है। तो इस तरह से जब हम पानी इस तरह दे दिया हमने पौधे के अंदर, उसके बाद आपको जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है इसी तरह से मैं स्प्रे कर देती हूँ मनी प्लांट पर। तो इसी से हमारे मनी प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो बढ़िया चमकदार और सुंदर सी आपको दिख रही होंगी। और देखिए पूरा ये मनी प्लांट स्टिक के ऊपर ही चढ़ चुका है। तो स्टिक लगाना बहुत ज़रूरी है और बीच बीच में आप स्टिक को बांध दीजिए। जब स्टेम को चढ़ाते हैं तभी आपको बांध देना है। और आप इस मनी प्लांट के प्लांट को जो पानी में लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो पानी में जब लगाते हैं तो एक सप्ताह के बाद आपको पानी उसका चेंज कर देना है। आपका इतना अच्छे से चलेगा मनी प्लांट, बहुत बढ़िया से चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं मनी प्लांट की केयर कर रही हूँ, उसी तरह मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ जिससे आपका भी मनी प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे। तो देखिए जितने भी मेरे पास मनी प्लांट के प्लांट हैं उनके ऊपर मैं सबके ऊपर ही है। इसके लिए देखिए मैंने फ्रेंड से एक स्टिक बनाई है इस तरह की और मैं इसको राउंड शेप दे रही हूँ और मैंने इनको ऊपर चढ़ा दिया है और धीरे धीरे ये पूरा भर जाएगा। तो देखिए एक टाइम होता है फ्रेंड्स कि मैंने 4-5 दिन के बाद आपको इस प्लांट को देख लेना है। और मिट्टी के अंदर जैसे मैं आपको बता रही हूँ नमी रहनी चाहिए। अगर आपके प्लांट के अंदर नमी नहीं रहेगी तो पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और आपका मनी प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी नहीं करेगा। देखिए मेरा मनी प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो आप इसको इस तरह से पानी दें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको पानी देना है और छिड़काव करना है। दूसरा बात बताऊंगी फ्रेंड्स आपको कि आप अपने पूरे घर में कहीं भी रख देते हैं मनी प्लांट को। कुछ लोग किचन में भी रखते हैं, रसोई के अंदर आग होती है, हम आग जलाते हैं, उस जगह पर मनी प्लांट को रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा आपके लिए। इसलिए फ्रेंड्स, आप अपनी रसोई में बिल्कुल ना रखें मनी प्लांट को। मनी प्लांट को वॉशरूम में भी ना रखें। मनी प्लांट को आप लिविंग एरिया में रख सकते हैं और अपने कमरे के अंदर भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कमरे के अंदर कहाँ पर रखेंगे वो भी मैं बताऊँगी आपको। जैसे कि आपका बेडरूम है और उसके ऊपर साइड में कहीं रख दिया, ऐसा नहीं, कमरे में आप दक्षिण दिशा में ही रखें। आप पानी के अंदर ग्रो कर सकते हैं, पानी भर लीजिए कांच की बोतल में। कांच की बोतल में बहुत अच्छे से ये प्लांट ग्रो होता है तो, और शुभ भी माना जाता है। तो आप ये प्लांट बहुत ज़्यादा शुभकारी है, इसको शुभ माना जाता है, लक्ष्मी का प्रतीक है इसलिए। तो फ्रेंड्स, आपके घर में धन धान की कमी नहीं रहेगी, सुख शांति की कमी नहीं रहेगी आप अगर इस तरह से लगाएंगे। आप इसको सही दिशा में लगाएं। अगर ऐसे ही आपने कहीं भी रख दिया है, कुछ लोग बोलते हैं हम दिशा मानते नहीं हैं, पर मानना पड़ता है, दिशा भी माननी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आपको मैं बता रही हूँ जो दिशा मैंने बताई आप उसी दिशा में रखें। और आप इस प्लांट को रसोई में ना लगाएं,
वॉशरूम में ना लगाएं, लिविंग एरिया में लगा सकते हैं, अपने गार्डन में लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, दक्षिण पूर्वी दिशा में आप प्लांट को लगाएं। पानी के अंदर अगर आप ग्रो करते हैं तो आपको 7 दिन के बाद इसका पानी चेंज कर देना चाहिए और प्लांट की जो स्टेम होती है उसको दोबारा से वॉश कर देना चाहिए, जिससे बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। ऐसे मेरे पास 6-7 प्लांट हैं फ्रेंड्स, अभी देखिए आप यहाँ पर भी गिन सकते हैं, कई सारे प्लांट हैं मेरे पास और भी दूसरी जगह पे भी लगे हुए, हैंगिंग में भी लगे हुए हैं। तो आप इस तरह से प्लांट को लगाएंगे तो 100% आपके घर में सुख शांति और धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से ही आप अपने इस मनी प्लांट को लगाए तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। दूसरा बात मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स कि कुछ लोग बोलते हैं कि चोरी करके लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा धनवान हो जाएंगे। किसी के घर का अगर हम चोरी करके लाएंगे, सोचते हैं कि हम पैसे वाले घर से ले लेंगे तो हमारे पास उनका पैसा आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स। ये लक होता है अपना अपना, जिसका जो लक है वो उसी से ही पैसा जुड़ता है। और मनी प्लांट अगर आप दूसरे का चुराने के बाद लगाते हैं तो बिल्कुल भी धनवान नहीं होंगे, ये आपकी गलत फहमी है। तो इसलिए जब भी आप मनी प्लांट को प्यार से मांग लें, एक स्टेम को कट करके लगा सकते हैं, प्यार से मांग लीजिए, चुरा के बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी मैं आपकी कुछ ऐसी वो जो है कुछ लोगों की जो मैंने वो दूर किए हैं, जिससे ये जो आपके अंदर निगेटिविटी है वो बिल्कुल ना रहे। तो आप जब भी, हाँ आप नर्सरी से ला के भी लगा सकते हैं और आप किसी से मांग कर लगा सकते हैं, चोरी करके बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स से। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आपको क्या करना है, इसको रोज़ खाद नहीं देनी है। मैं तो 6 महीने के बाद ही एक बार इसमें खाद देती हूँ, वो भी जैसे मैं बनाती हूँ किचन वेस्ट वो दे देती हूँ एक एक मुट्ठी, या फिर लिक्विड जो बनाया है जैसे केले का जो छिलका होता है उससे फ्रेंड्स हम बनाते हैं, और वो लिक्विड मैं अपने प्लांट को दे देती हूँ बस। बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र या फिर गोबर की खाद या फिर बर्मी कंपोस्ट देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, इस बात को आप जान लीजिए। ये बहुत ही कोमल और बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर सहन शक्ति नहीं होती है। आपने देखा अगर इनको जरा भी धूप लग जाती है तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है, इसलिए फ्रेंड्स बहुत जल्दी जल जाता है, इसको खाद की सहन शक्ति नहीं है। तो आप साल के बाद 6 महीने के बाद आप एक बार अपने प्लांट में दे दें और बहुत थोड़ी थोड़ी दे दें। हाँ आपको अगर देना है, खाद का शौक है और हमको खाद देनी है, तो आप जो यूज की हुई चाय की पत्ती होती है उसका आप लिक्विड बनाकर दे सकते हैं, और अगर आपको लिक्विड नहीं देना है तो आप एक एक चम्मच भी दे सकते हैं। यूज की हुई चाय की पत्ती जो होती है, हम चाय पी लेते हैं उसके बाद आप धो के सुखा लीजिए और उस पत्ती को आप डाल, फिर आप देखते हैं आपके मनी प्लांट कितने चमकदार और सुंदर से और अच्छी ग्रोथ होगी इन प्लांट की। तो ये था मनी प्लांट के लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी जानकारी मनी प्लांट की। ये मनी प्लांट मेरे फ्रेंड्स, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, सारे मनी प्लांट जल गए थे, लेकिन थोड़े थोड़े से बचे हुए थे और इनको मैंने केयर करके इस तरह से इनकी ग्रोथ भी बढ़ा ली है और प्लांट भी बढ़ा लिए हैं, और मैंने कटिंग भी लगाई थी बहुत सारी फ्रेंड्स, और पानी में भी लगाई हुई थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और कुछ इस तरह से एक बात और बताना भूल गई फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, मनी प्लांट की जो स्टेम होती है तो आपको नीचे की तरफ नहीं इनको चढ़ाना है, इनको ऊपर की तरफ चढ़ाना है। आप जितनी भी ये मनी प्लांट की स्टेम होती है, जिस तरह से मैंने ये चढ़ाई हुई है फ्रेंड्स, इनके लिए डंडा लगा दीजिए इस तरह से मॉसिस्टिक, और ऊपर की तरफ चढ़ाइए। ऊपर की तरफ चढ़ाने से हमारी जो खुशियाँ होती हैं वो ऊपर चढ़ती है, और हमारे घर की जो धन लक्ष्मी होती है वो भी ऊपर की तरफ चलती है। अगर आप नीचे की तरफ करेंगे तो आपका धन पैसा सारा नीचे की तरफ गिर जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा।
इस बात का भी आपको बहुत खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसकी जो स्टेम होती है वो नीचे की तरफ बिल्कुल भी ना जाए, जैसे इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस प्लांट की नीचे की तरफ स्टेम बिल्कुल भी नहीं जाए। ये आपको दिखाने के लिए मैंने ये यहाँ पर छोड़ी हुई है, अब मैं इसको ऊपर की तरफ चढ़ा दूंगी। तो इस तरह की स्टेम नीचे की तरफ झुकी हुई गिरी हुई नहीं होनी चाहिए। फटाफट इसमें लकड़ी लगाइए और इसको ऊपर की तरफ चढ़ा दीजिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, इसका मैंने आपको अर्थ भी बता दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से मनी प्लांट लगाएंगे तो आपका मनी प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, हरा भरा रहेगा। एक बात का और ध्यान रखना, पीली पत्तियां अगर जब भी हो जाए आपके प्लांट में तो तुरंत निकाल दीजिए। वो पीली पत्तियां हमारे लिए बहुत अशुभ है और हमारे प्लांट के लिए भी बहुत ज़्यादा अशुभ होती हैं, इसलिए मनी प्लांट के अंदर कोई भी पीली पत्ती नहीं होनी चाहिए, कटी पिटी पत्ती नहीं होनी चाहिए। और आप इसकी कटिंग कर करके ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। कटिंग लगाइए, आप ढेरों कटिंग लगाइए। अभी भी फ्रेंड्स आपके पास एक महीना बचा हुआ है, ये सितंबर का भी अब जाने वाला है, इसके बाद आपकी कोई भी कटिंग नहीं ग्रो होगी। आप बिल्कुल ना लगाएं, ये गलती ना करें। अगर आपको कटिंग लगानी है तो अभी लगा सकते हैं, अभी आपके 15 दिन बचे हुए हैं तो इसमें आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, धूप निकलती नहीं है, फिर है ना सर्दी पड़ने लग जाती है, तो सर्दी में हमारी जो प्लांट की कटिंग है वो ग्रो नहीं हो पाती है और ख़राब होने लगती है। इसलिए अभी आपको कटिंग ग्रो करनी है तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी मनी प्लांट की। आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।